हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाऊं। दोस्तों आज हमारे पास बजाज चेतक है और इस बजाज चेतक में मैंने 1 साल पहले एक प्रॉब्लम दूर की थी। इस चेतक में मैंने 1 साल पहले एक प्रॉब्लम दूर की थी जो कि फिर आ चुकी है। ये प्रॉब्लम फिर आ चुकी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि स्टेयरिंग की कटिंग देखें आप। ये आप स्टेयरिंग की कटिंग देखें, आप देखें कि स्टेयरिंग की कटिंग कहाँ पर से कहाँ तक की है। ये देखें आप, ये स्टेयरिंग की जो कटिंग है हमारी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेयरिंग है हमारा, कहने का मतलब ये यहाँ पर करते हैं तो इस स्टेयरिंग को हमारा यहाँ इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ये, ठीक है। ये जो सीट है, सीट से यहाँ पर तक पहुँच जा रहा है स्टेयरिंग, और अगर हम इस स्टेयरिंग को यहाँ तक पहुँचाएँगे तो यह वाला स्टेयरिंग नहीं जाएगा। कितनी भी ज़ोर से मारें स्टेयरिंग हमारा ये नहीं जाएगा। अगर हम इस स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आ जा रहा है। तो आपने देखा होगा इस वीडियो में, ये वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपने ये वीडियो देखा होगा। ये मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाई दी जाए, और भाई लोगों ने भी कमेंट किया था कि स्टेयरिंग की कटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कारण क्या रहा। तो कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये कटिंग यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो हम सीधे ही क्या करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कितना, कहने का मतलब जो इसका चिमटे का खांचा है, ये वाला जो चिमटे का खांचा है, इस खांचे को यहाँ पर होना चाहिए, इस खांचे को यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे हम इसको ऐसा करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा वो करेंगे तो इस तरीके से हमारा पहुँच जा रहा है। ये ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ रही है, बहुत ही प्यार से आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम बात करें इस तरफ की, तो इस तरफ देखेंगे आप नक्का, ये इस तरफ हमारा ठीक है, ठीक है, इस तरफ हमारा जा नहीं रहा है बिल्कुल भी। इस तरफ हमारा नक्का ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा ग्रीस भी लगा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा ठीक है। और इस तरफ की अगर हम नक्के की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो चिमटा है ना, चिमटा, ये जो रोड है अंदर की, यहाँ पर जो है ये एल्युमिनियम का है, ठीक है, ये एल्युमिनियम का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की रगड़ भी खा चुका है। ये एल्युमिनियम होता है, और ये हार्ड एल्युमिनियम होता है। ऐसा नहीं है कि हल्का एल्युमिनियम होता है, कि बहुत हार्ड एल्युमिनियम होता है। और जो इसका चेचिस है, जो यहाँ पर ये कॉलर है, ये कॉलर जो है ये लोहे की होती है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो नक्का है, ये नक्का हैम्बर से, कहने का मतलब जो हमारे पास हैम्बर है, हथौड़ी है, एक रोड लेकर इसको हमने अंदर दबाना पड़ेगा। इस चीज़ को अंदर साइड को दबाना पड़ेगा, इसी तरीके से अंदर साइड को दबाना पड़ेगा, जो कि ये हमारा स्टेयरिंग इस तरीके से ना हो। आप देख रहे हैं कि ये स्टेयरिंग यहाँ पर पहुँच जा रहा है। तो मैं आपको हथौड़ी मारकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हथौड़ी मारनी है। तो हमारे पास ये है हथौड़ी, और अब क्या करना है, हमने इस चिमटे को थोड़ा इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ऐसे मारना है। अंदर को मारना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये इस तरीके से हमारी कटिंग सही आ चुकी है। अब कितना भी करेंगे, ये हमारी कटिंग सही आ चुकी है, दोनों की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने इधर इस तरीके से मारा है, जो ये लोहे वाला नक्का है, जो लोहे वाला ये नक्का है, ये नक्का अंदर पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से मैं एक दो हैम्बर इधर मार देता हूँ। वैसे तो उधर वाला ठीक ही था, मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब इस साइड मारा है तो उस साइड मारना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी होगा, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अक्सर स्कूटरों में आ जाती है, कटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपके स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, तो आपको ये नोज़ खोलनी पड़ेगी। जो ये नोज़ मैंने पहले ही खोल रखी है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हॉर्न के बारे में, तो हॉर्न के दौरान मैंने ये नोज़ खोली थी, तो ये प्रॉब्लम थी इसमें, तो ये प्रॉब्लम भी मैंने दूर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ जो आपने मुझे कमेंट किए हैं। तो मैं आपको जल्दी ही उन कमेंट के ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बाद।